मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये पीछे वालों को मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? पीछे वाले, पीछे लास्ट रो, बड़ी अच्छी आंखें हैं आपकी बुढ़ौती में भाई। इतने पीछे से और बूढ़े लोग मुझे देख पा रहे हैं। एनीवे, तो गर्मी तो बहुत हो रही है और गर्मी लग भी रहा है। इस गर्मी को पैदा हम ही ने किया है, हमने इस गर्मी को बढ़ाया है, कम करने का काम नहीं किया, इसलिए गर्मी हमें सता रही है, परेशान कर रही है। एनीवे, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं वहाँ IAS अफसर हूँ 2009 बैच का। चुनाव चल रहा है, मुझे कहा गया कि आप इलेक्शन ऑब्जर्वर होके जाइए और चुनाव कराइए। मैं आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि ये जो सीट है पार्लियामेंट्री की, इसका नंबर है 6। कितना नंबर है? 6। और नाम है इसका आनंदपुर साहब साहिब। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 6, नाम है आनंदपुर साहिब। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। और 9 MLA सीट आती है। रूपनगर के 3 MLA सीट पूरा जिला, शहीद भगत सिंह नगर के 3 MLA सीट पूरा जिला, मोहाली के 3 MLA सीट है जो हमारे पास है, और 1 MLA सीट दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। होशियारपुर जिले का वहाँ 7 MLA सीट है, उसमें केवल हमारे पास 1 है गढ़ शंकर, और 6 होशियारपुर में है। ये आपको जानना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो असेंबली, जैसे पार्लियामेंट्री को एक नंबर और नाम दिया जाता है, उसी तरह से हर विधानसभा को, MLA सीट को एक नंबर दिया जाता है और उसका नाम दिया जाता है। आप जिसके PLO हैं जिस असेंबली के, उसका नंबर कितना है कोई बताएगा? कितना है? 50 49। ये सबको पता है? अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। नाम क्या है इसका? ठीक है, आप लोग BLO हैं, क्या है? है कि नहीं है? बड़े हैं? बड़े मन से, बड़े मन को दबा के, चेहरा गिरा के हमने कहा BLO, तो कह रहे हाँ BLO है। BLO की औकात पता है क्या? नहीं पता? हनुमान जी की तरह आपको आपकी ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा। यही रोना है कि हमें अपनी ताकत का एहसास नहीं। जिस तरह से एक DC पूरे जिले में, जिस तरह से एक DC पूरे जिले में चुनाव कराता है, और चुनाव 4 शब्दों के इर्द गिर्द होता है, अराउंड 4 वर्ड्स, व्हाट आर दिस? दीज आर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेक्स एवरी DO इन हर आर हिज ज्यूरिडिक्शन विल कंडक्ट इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। तो जिस तरह से मुझे 9 विधानसभा में, 4 जिलों में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इको फ्रेंडली चुनाव कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, रूपपुर के DO को जब ये चुनाव होता है तो DC नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? नहीं पता आप लोगों का? जनरल नॉलेज इतना खराब, क्या हो जाता है उनका नाम?
आरओ भी हो जाता है, एक नाम और हो जाता है डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर। आप देखेंगे कि जो चिट्ठी आती होगी डॉक्टर प्रीति यादव का, जो आपकी डीसी हैं, वो आजकल डीसी बाद में लिखती हैं जिला निर्वाचन अधिकारी कम डीसी। जब हम चुनाव कराते हैं तो डीसी नहीं, डीसी चुनाव नहीं कराता, कौन चुनाव कराता है? डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर। तो मैं आप लोगों को आपकी ताकत का एहसास दिलाने के लिए बात करने जा रहा हूं। आप हनुमान जी हैं, क्या हैं आप? देवता हैं। आप लोग हंस रहे हैं, क्या हैं? देवता। आई विल प्रूव माई दिस स्टेटमेंट हाउ यू आर देवता। और आप अपने बूथ के डीसी हैं, क्या हैं? आई विल प्रूव दिस स्टेटमेंट आल्सो। आई हैव गिवन टू स्टेटमेंट्स कि आप बूथ देवता हैं, क्या हैं? और आप अपने बूथ के डीसी हैं, क्या हैं? सुनो कैसे, और जिसके ना समझ में आएगा जरा हाथ खड़ा कर देगा तो मैं वहां उसको यहां बुला के समझा दूंगा। और एक बात और सुन लीजिए, ये कोई कथा उठा तो चल नहीं रहा कि मैं कथा कर रहा हूं, आप इधर से सुनो इधर से निकाल दो। मैं किसी को खड़ा करके ये पूछूंगा अचानक कि मैंने क्या बोला है और क्या कहा, और अगर आप इधर से सुने इधर से निकाल दिया तो खैरियत नहीं होगी, वो समझ लो। हमने कहा आप अपने बूथ के डीसी हैं। मैं एक जिम्मेदार आदमी, मैं झूठ बोलूंगा? सही नहीं। हाउ? एक डीसी का क्या काम है? एक डीसी अपने जिले में हर बूथ पे क्या कराता है? फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली चुनाव कराता। उसका एरिया उसका जिला है। और आप बूथ पे वही काम करते हैं क्या? आपको भी बूथ पे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली चुनाव कराना है? कहाँ? अपने बूथ पे। तो आप भी डीसी हैं, चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो यू आर लाइक डीसी फॉर योर बूथ। फर्क क्या है? उनका पूरा जिला ज्यूरिडिक्शन है, आपका एक बूथ है, बस फर्क इतना है। तो यू आर डीसी फॉर योर बूथ, एम आई राइट? या मेरी बात में दम नहीं है? अच्छा, कितने लोग मानते हो मेरी हाथ में दम है? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने मेरी बात में दम लगा। अच्छा, पीछे वालों को नहीं दम लग रहा है, लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये मेरे स्टेटमेंट में जो मैंने आपको बताया लॉजिकली, ये सही है कि नहीं सही है? सही है। अब मैंने कहा आप देवता है, क्या है? बूथ देवता। कौन देवता है? देवता क्या करता है ये बताओ, देवता क्या करता है? देवता वो होता है जो कल्याण करता है, जो लोगों को मजबूत बनाता है, जो लोगों को आगे पहुंचाता है, जो देश सेवा करता है, यही तो देवता होता है। कहीं साहब वो ऐसे आदमी है देवता जैसे है, यही तो कहते हैं हम लोग कभी कि भैया वो सबका कल्याण करते हैं, सबकी मदद करते हैं, देवता यही होता है। देवता तो यही मानते हैं या कुछ और कहते हैं? या जो गला काटता है, नुकसान करता है, उसको देवता बोलते हैं? जो कल्याण करता है उसको हम सिंपल भाषा में देवता कहते हैं। आप भूत देवता हैं। आप क्या करते हैं? आप बूथ पे 100% पोलिंग कराते हैं। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? डेमोक्रेसी मजबूत होगा। डेमोक्रेसी मजबूत होगा तो कंट्री मजबूत होगा। कंट्री मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा, आपका आस पड़ोस मजबूत होगा। तो आप क्या कोई घटिया काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। और आप कोई छोटा मोटा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप देश सेवा कर रहे हैं। आप एक बूथ लेवल पर अच्छा काम करके देश सेवा कर रहे हैं, देश को मजबूत बना रहे हैं। तो आप देवता हैं कि नहीं हैं? हैं। इसीलिए मैंने उसमें बूथ देवता जोड़ा कि बूथ के देवता हैं।
ये थोड़ी कह दोगे हम ऑब्जर्वर के देवता हैं, मेरे नहीं हो, बूथ के देवता हैं, बूथ के ज्यूरिडिक्शन में रहने वाले हर व्यक्ति के माध्यम से आप देश सेवा करते हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैंने दो स्टेटमेंट दिए कि आप यू आर बिहेविंग लाइक जस्ट आई हैव ड्रॉन ए पैरेलल बिटवीन दीज टू। नहीं तो कल आओ मेरे सामने, वहाँ मेरे हॉस्टल मेरे गेस्ट हाउस पे खड़े हो जाओ, सर आपने तो मुझे डीसी कहा था, हम तो डीसी हैं, तो मुझे ये समस्या खड़ी हो जाएगी। इट इज लाइक ए पैरेलल, आई हैव ड्रॉन ए पैरेलल, जस्ट आई हैव गिवन एग्जांपल टू टेल यू योर ज्यूरिडिक्शन एंड टू टेल यू योर स्ट्रेंथ, टू टेल यू योर पावर, यू आर पावरफुल एंड नॉट ओनली दैट यू आर लकी एनफ। बहुत सारे लोग हैं जिसको बीएलओ देवता बनने का मौका नहीं मिला, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि देवता बनने का मौका मिला, और आपके साथ साथ मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी ये काम करने का मौका मिला। अब मैं आप ही की बात करूँगा, आप ही के को आगे ले जाने की बात करूँगा। डीसी साहब क्या करते हैं? डीसी साहब के पास बहुत बड़ी टीम है, नोडल अधिकारी, एसडीएम, ये विभाग वो विभाग उनके मार्फत तो काम करते हैं, ठीक। जब मैं यहाँ आया तो मैं बूथों पे गया तो हमें टकराए दो तीन बीएलओ, मैंने उनकी क्लास ली बूथ पे, बताओ तुम्हारे पटवारी क्या नाम है, बताओ तुम्हारे जो है सिक्योरिटी क्या नाम है, तो पता चला कि बीएलओ साहब अकेले हैं, डीसी इसी काम करने के लिए उसके पास 25, 30, 50, 100 लोग हैं और बीएलओ क्या है, अकेला है। हमारे यूपी में ऐसा नहीं होता, हमारे यूपी में बीएलओ अकेला नहीं है, बीएलओ की पूरी टीम है। गांव लेवल पर उस बूथ के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे आंगनबाड़ी, आशा, एएमएम, लंबरदार और वो पानी वाला, मनरेगा वाला, सब लोग एक टीम में काम करते हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाते हैं। यहाँ मैंने देखा है बेचारा बीएलओ निरीह प्राणी की तरह अकेले क्या कर लेगा है? तो फिर मैंने अपना वो लखनऊ वाला यूपी वाला फार्मूला अप्लाई किया, क्या कल हम लोगों ने, ये शायद आप सबको मिल गया है, मिल गया नहीं मिल गया है, हमने चारों डीसी से ये फार्मूला बनाया कि बूथ लेवल जिस बूथ पे चुनाव होगा उस एरिया में जहाँ के लोग आएंगे उसका पटवारी, उसका लेखपाल, हमारे यहाँ लेखपाल बोलते हैं, पटवारी, सिक्रेटरी, ये सब आपको मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया है, कितने लोगों को मिल गया है? ये देखो पीछे वाले सो रहे हैं, इनके लिए चुनाव नहीं है, आपके ग्रुप में पड़ गया, सो मत, नहीं सोते रह जाओगे क्या? अच्छा ठीक है, तो आप सबको मिल गया है, अब आप अकेले नहीं हैं, अभी तक आप अकेले थे, कल से मैंने आपका गिरोह तैयार कर दिया, क्या तैयार कर दिया, गिरोह, और ये गिरोह 100% पोलिंग कराएगा, क्या कराएगा, 100% पोलिंग कराएगा, डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा, देश को मजबूत करेगा। फिर ये कमेटी करेगा क्या, इसके नीचे ड्यूटीज ऑफ कमेटी लिखा हुआ, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा है ना, आधा लोग नहीं पढ़े होंगे, हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, रीडिंग राइटिंग वी हैव लर्न, ठीक। तो पहला यह है कि आप इस फॉर्मेट में नाम भर लीजिए, मोबाइल भर लीजिए कौन है, और तुरंत एक बैठक करिए और उस बैठक का फोटोग्राफ आपके जो वीडियो है ब्लॉक वाले वो डेवलपमेंट अफसर और यारों के पास जाएगा और ये संकलित करके मेरे पास दे देंगे, ये पहला स्टेप करना है। और दूसरा स्टेप क्या करना है, ये जो कमेटी के लोग हैं, आपके यहाँ चुनाव क्या तारीख को, 31 मई को है ना, कब क्या तारीख को है, ये को है पक्का, अच्छा इसका मतलब आप लोगों को सही पता है, तो 1 तारीख को चुनाव है अपना, तो 31 तारीख को शाम को हम डुगडुगी बजाएंगे, थाली बजाएंगे, तबला बजाएंगे, माइक लगाएंगे, जो भी कुछ कर सकते हैं,
हम पूरे गांव में एक हल्ला करेंगे पूरी कमेटी की, कल चुनाव है, कल चुनाव है, कल चुनाव है, हम रात में ही उसको जगा देंगे। ठीक है नहीं ठीक है? रात को ही हम लोग उसके दिमाग में इलेक्शन डाल देंगे, जिससे वो रात में जब उसको सपना आए तो किस चीज का सपना आए? इलेक्शन का आए। आइडिया ठीक नहीं ठीक? ये सब हमने यूपी में किया है। और मैं आपको बता दूं, 2019 के इलेक्शन में आई वाई डी सी इन डिस्ट्रिक्ट बांदा, और मैंने 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया था, पूरा हमारा रिकॉर्ड है। पीएम हैज प्रेज्ड मी एंड आई हैव रिटेन होल स्टोरी हाउ आई हैव रेज 10.5% वोटिंग इन डिस्ट्रिक्ट बांदा एज डी सी। ये बुकलेट भी मैंने 60 कापी आपने शेयर करा दी, कर दिया नहीं कर दिया? ये देखो, एक लक्ष्य मिल गया होगा आपको, क्या क्या किया, क्योंकि समय नहीं है, इसको हम लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पढ़ने के लिए आपको मजा आएगा। ये हिंदी में है थोड़ा, क्योंकि हम तो पंजाब वाले हैं नहीं, हम तो हिंदी जानते हैं, तो ये हिंदी में है। तो 31 को आप उसके दिमाग में इलेक्शन डाल के उसको सुला देंगे, बेटा रात भर आराम से कुंभकर्ण की नींद सो जा। फिर 1 तारीख को सुबह ये कमेटी 4 बजे दरवाजा खटखटाएगी। क्या रात भर तो सो लियो, क्या दिन भर थोड़ी सोओगे? 4 बजे से जगाना शुरू, 4 बजे से खटखटा के जगाएंगे, और नहला धुला करके अच्छा कपड़ा पहन। देखिए ये उत्सव है, पता नहीं आपके यहाँ क्या होता, लेकिन हमारे तरफ इसको उत्सव मेला के रूप में लेते हैं। नहाएंगे धोएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे, कुछ इत्र उत्र भी डालेंगे, क्या, और उत्सव के रूप में बूझते जाएंगे। तो क्या करना है, 1 तारीख को जगाना है इसको, वोटर को जगाना है, और सजा करके उसको बूथ पे पहुंचाना है अगले दिन सुबह। ठीक, फिर और क्या करना है? अब 12-13 लोगों की टीम है, तो 2-3 लोग तो बूथ पे पहुंच जाओ, वहीं बैठे रहो, और 4-5 लोग गांव में रहो। ठीक, तो यहां से देखते रहो कि कौन कौन वोट डाल दिया, और जो वोट ना डाले हो तो गांव वाले कर्मचारी फोन करो, हाँ लेखपाल पटवारी साहब ये फलनवा नहीं आया है, जरा निकालो घर से निकालो। तो यहाँ से आप काउंट करते रहेंगे, टिक मारो, जो नहीं आया तो जो हमारे कमेटी है 4 लोग गांव में, 2 लोग बूथ पे, आप वहां से यहाँ से फोन करेंगे, पता लग जाएगा कौन नहीं। कल मुझे कोई आइडिया दे रहा था, किसी कोई एसडीएम हमें बता रहे थे कि साहब ऐसा करेंगे कि गांव में लाउड स्पीकर होता है गुरुद्वारा पे, तो हल्ला कर देंगे कि अरे फलाने साहब, सरदार जी फलाने, निकलो निकलो, भी वोट नहीं दियो, पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, भागेंगे निकल के। ठीक है, एनीवे दिस इज जस्ट टू क्रिएट ए लॉट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये अभी कल ही प्रोग्राम बनाया। कल मैं नवानगर में था डीसी के साथ, तीनों एसडीएम के साथ, यहाँ डॉक्टर प्रीति और पूजा सबके साथ बात हुई। मोहाली में गढ़शंकर में वो बल है एसडीएम, बहुत बढ़िया एक माहौल बना है। तो ये मैंने आपकी मदद की कि नहीं की? की नहीं की? आपकी मदद, आप अकेले थे, मैंने आपकी गैंग तैयार कर दी, आपको गिरोह वाला तैयार कर दिया, आप ताकतवर हो गए, तो मेरे लिए ताली तो बजा दो यार। देखो बहुत धीरे बजा रहे हो, मैंने आपको मजबूत कर दिया। ये फार्मूला मैं कहां से लेके आया? यूपी से। अब आप अकेले नहीं है, लाइक डीसी यू डू हैव ए कमेटी, यू डू हैव ए टीम टू डिस्चार्ज टू परफॉर्म योर ड्यूटी इन आउटस्टैंडिंग वेज। लेकिन देखो दोस्त, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और ये देश सेवा है। लोग वोटिंग को छुट्टी का दिन बता दिए हैं, ये देश सेवा है। हम वोट देते हैं, डलवाते हैं, तो देश को मजबूत, डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, डेमोक्रेसी से देश मजबूत होता, और देश से हम मजबूत होते। तो ये देश सेवा है, इसको लाइटली मत लीजिए। क्यों आप अंग्रेजों से लड़ रहे थे? क्यों उनके लिए लड़ाई लड़ी, मारपीट, खून खराबा हुआ? शहीद भगत सिंह साहब के गांव से मैं कल आया, आपके यहाँ के ही हैं, एग्जाम्पल है बंगा में। डिक्टेटरशिप हो जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगा।
ये डेमोक्रेसी बड़े मुश्किल से मिली है, इसको हमें बहुत संभाल के रखना है, इसको मजबूत बनाना है, इसको बहुत शक्तिशाली बनाना है, करना है कि नहीं करना है। तो आप, मैंने दो चीज बता, आप लोगों को मैं झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूँ, कहते ना तब झाड़ यहाँ चलता है नहीं, ये कहावत है कि चलता है झाड़ पे चढ़ाना, चने के झाड़ पे। मैंने आपको देवता बना दिया है, बूथ देवता विथ माई ओन लॉजिक, एंड मैंने आपकी पूरी कमेटी बना दी, उसको मैं हंसाने के लिए गैंग बोल दिया, गिरोह बोल दिया, ये कोई निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव चीज है, ठीक है। तो ये करना है। अब लास्टली आई कम टू माई दिस, कभी ऐसा आप जरूरत आपको देखे हो कि ग्रीन टी शर्ट में घूमते हुए, मैं यहाँ आया मुझे पहना दिए क्योंकि मैंने ही ये फार्मूला निकाला है। तो देखिए ऐसा है, आप पेपर उठाइए 46 डिग्री टेम्परेचर, कल मैं जब दौरा कर रहा था दिन भर, कितना टेम्परेचर था। टेम्परेचर केवल आपको गर्मी नहीं दे रहा है, आपको बहुत सारी बीमारियां दे रहा है, आपके फसल को नुकसान कर रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट, इट्स किलिंग अस। देखो अभी टाइम कितना हुआ है, 10:15, देखो कितनी गर्मी है। अगर हम सब लोग ग्रीन इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो चौथा वर्ड क्या है, इको फ्रेंडली, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब ग्रीन इलेक्शन, व्हाट इज द ग्रीन इलेक्शन। देखिए जब हम चुनाव करते हैं तो इसे बैठक कर रहे हैं, बूथ सजाएंगे, मीटिंग होगी, वी विल डू मेनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ओके। सो ड्यूरिंग दैट एक्टिविटीज वी प्रोड्यूसेज कार्बन एंड ग्रीन गैसेज, ठीक। अब अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि हम चुनाव भी करा लें और ग्रीन गैस इन एक्टिविटी के वजह से एक्स्ट्रा पैदा ना हो, तो ग्रीन इलेक्शन हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू, प्लास्टिक सबसे बड़ा दुश्मन है, मिनिमम यूज ऑफ, हमारे सबके खून में प्लास्टिक है, पढ़िएगा, आई डू नॉट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन इट, सबके खून में माइक्रो प्लास्टिक है, बीमारी फैल रही है, लाइफ कम हो रहा, तो प्लास्टिक का मिनिमम यूज करना है, नहीं करना, वन थिंग, सो दैट वी कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन गैसेज। सेकेंड थिंग, वी विल प्लांट, यहाँ क्या कहते हैं पौधे को, नहीं नहीं छोटे वाले को, बूटा, बूटा बूटा कहते हैं, हम सब बूटा लगाएंगे और आप कार्बन डाइऑक्साइड को शूट कर देंगे, किल कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे। तो हमें प्लास्टिक से दूरी बनाना है, प्लास्टिक फ्री लाइफ जीना है, और प्लास्टिक को मिनिमम यूज करना और बूटा लगाना है। अगर इतना हम कर लेंगे तो ये ग्रीन इलेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ग्रीन इलेक्शन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ये टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, और टेम्परेचर रोकने का जो एसी है वो क्या है, बूटा। ये एसी जो घर में लगा रहे हो ये एसी काम नहीं करेगा, यही बूटा वाला एसी काम करेगा, दिमाग में ये डाल लीजिए। तो हम लोग ग्रीन इलेक्शन करा रहे हैं, 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक माहौल बन गया है, ओनली वी आर डूइंग दिस ग्रीन इलेक्शन इन होल इंडिया इन ए वेरी सिस्टमेटिक एंड प्रोग्रेसिव वे। सो यू आर लकी एनफ, यू आर गोइंग टू क्रिएट ए मॉडल फॉर होल कंट्री इन कमिंग इलेक्शन, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, समझिए कि नहीं। तो ये वाला तो मैंने आपको दे दिया है, मिल गया, देखो वो जो ग्रुप है उसमें पहुंच गया सॉफ्ट कॉपी, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, पहुंच गया। और अभी मैं जब डीसी था 2019 में, और मैंने बहुत सारे काम किए, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था बांदा, वहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी, गांव में बच्चियों की, बच्चों की शादी नहीं होती थी, पानी नहीं कौन अपनी बच्ची दे देगा। तो मैंने वहाँ अभियान चलाए, वोटिंग परसेंटेज 10.5% बढ़ाया, 1 meter 34 centimeters पानी बढ़ा दिया, प्लास्टिक रहित जिला बना दिया। आई हैव रिटेन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इन दिस बुक डायनेमिक डीएम, इट इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, इट इज वेरी चीप, इट इज इन 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती, ओके, यू रीड इट। चुनाव पर एक चैप्टर, लोग पेड़ लगाते हैं, IDC, आई हैव नेवर प्लांटेड ट्री, हम पेड़ जियाओ अभियान चलाते थे क्या,
पेड़ तो लगाते हो मर जाता है, पेड़ लगाने वाला अभियान मैंने नहीं चलाया। हमने क्या चलाया, पेड़ जियाओ अभियान, ट्री सर्वाइवल करके। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दिस बुक, इट इज अवेलेबल ऑन द फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। सो आप लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही है, खाली मेरे डर के वजह सुन रहे हो? मैं तो डरवाया और वाया नहीं अभी तक, प्यार से ही बात कर रहा हूँ। देर आर टू टाइप्स ऑफ पावर, पावर ऑफ प्यार एंड पावर ऑफ पनिशमेंट। आई ऑलवेज यूज पावर ऑफ प्यार, आई नेवर यूज पावर ऑफ पनिशमेंट। ओके, तो विद दिस आई वुड लाइक टू विश यू गुड लक। और मैं बात करके जा रहा हूँ, 100% पोलिंग चाहिए, चाहे आप सोएं और चाहे ना सोएं, चाहे आप खाएं या ना खाएं, खाने को ऐसे भी जरूरत नहीं है, पानी पीते रहो काम चल जाएगा। तो मस्ती से, जॉय से, फेस्टिव मूड में एट बीएलओ पार्टिसिपेट करिए और अपने आप को डीसी मानिए। क्या क्या मानिए? डीसी ऑफ दैट बूथ। अपने आप को देवता मानिए, ऑफ दैट बूथ। और जब ये मानेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी और 100% पोलिंग बूथ होगा। यू सी मी, आप मेरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कल 7 बैठक की, कितनी, और रात के 12 बजे आए हैं, पूछो एसडीएम साहब से, और सुबह 5 बजे फिर उठ गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आप लोगों की ऊर्जा देख के, आप लोगों का काम देख के, मैं आया 13 तारीख को, मैंने चारों डीसी से बात किया, ग्रीन इलेक्शन कराना, सब जुट गए। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतने दूर हम आएंगे। इसीलिए कहते हैं अच्छी नीयत, अच्छी नींद, अच्छी सोच हर जगह कामयाब होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हे बीएलओ देवता, हे बूथ के डीसी, 100% वोट कराओ और देश को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो। विथ टू लाइनर, एक शायर हैं नजरे साहब, तो उन्होंने मुझे दो लाइन लिख के बोला है, मैं उसी से बात समाप्त करूंगा। जब से प्लास्टिक के धंधे, धंधा तो जानते हो ना, बिजनेस धंधा, जब से प्लास्टिक के धंधे आबाद हो गए, क्या हो गए, जब से प्लास्टिक के धंधे आबाद हो गए, जल जंगल जमीन तीनों बर्बाद हो गए। थैंक यू। सो बहुत बहुत